अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम है ब्रार, आप देख रहे हैं टेक्नो ब्रार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे MIUI 10 की 9.4.11। दोस्तों ये अपडेट क्लोज बीटा, ये सिर्फ बीटा टेस्टर को मिली है और इसे दूसरे लोग फ्लैश वही लोग कर सकते हैं जिनका बूटलोडर अनलॉक है, TWRP इंस्टॉल है, ठीक है, कस्टम रिकवरी इंस्टॉल है। इसका वर्स व्यू मुझे देखने की परमिशन नहीं है क्योंकि दोस्तों मैं बीटा टेस्टर नहीं हूँ। तो दोस्तों ये 9/4/11 का मतलब है 11 अप्रैल 2019, और ये अपडेट का रिव्यू मैं सुबह सुबह नहीं रात को 1 बजे बना रहा हूँ क्योंकि परसों मेरे पे मेरी कज़िन सिस्टर की मैरिज है, इसलिए मैं कल पूरा दिन बिजी रहूँगा और 2 दिन वीडियोस भी नहीं बना पाऊँगा और मेरी एग्ज़ाम भी चल रही है, तो यार दोनों मैनेज करना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि अभी मैं जाग रहा था तो मैंने सोचा कि MIUI 10 का रिव्यू कर देते क्योंकि मैंने सारे फीचर्स ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं। दोस्तों ये बेस्ड है एंड्रॉयड पाई पे, ठीक है, और दोस्तों ये अपडेट आपको मे बी आपको कल शाम तक आपको मिल जाएगा ये अपडेट। अगर Xiaomi इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी बग नहीं आता, मुझे बग नहीं मिला, ठीक है, अगर आपको कोई भी बग नहीं मिलता है तो गाइस आपको ये अपडेट कल शाम से पहले मिल जाएगा या फिर कल रात तक मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपको देख लेते हैं सिक्योरिटी पैच लेयर कौन सा मिलता है। तो सिक्योरिटी पैच लेयर 5th अप्रैल का मिलता है, ठीक है। फिर डिस्प्ले में दोस्तों डार्क मोड का सपोर्ट आपको मिल जाता है, ठीक है, आप जैसे इनेबल करेंगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पहले दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट एंड कलर्स में दोस्तों आपको आपका एक राउंड आता था उसमें अलग अलग कलर्स होते थे और हमें वो सिलेक्ट करने होते थे, ठीक है, वो ऑप्शन आता था, लेकिन ये इसमें ये इसे रिमूव कर दिया गया, ठीक है। अब आप इसे खोलेंगे तो आपको कोई सा भी नया वो कलर सिलेक्ट के लिए ऑप्शन नहीं आएगा, आप इसमें सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड वार्म और कूल ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रीडिंग अब यहाँ पे रीडिंग मोड में दोस्तों हमें गुड नाइट्स रीड एक नया फीचर मिलता है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है गुड नाइट्स रीड, ठीक है, इस एक नया फीचर हमें मिलता है रीडिंग मोड के अंदर, ठीक है। सिम कार्ड में दोस्तों डुअल वोल्टेज काम कर रहा है, मैं अभी आप देख सकते हैं डुअल वोल्टेज काम कर रहा है, ऊपर लिखा आ रहा है, ठीक है। वाईफाई भी क्लब आपका काम कर रहा है, ब्लूटूथ काम कर रहा है, हॉटस्पॉट भी काम कर रहा है, थर्ड पार्टी थीम सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। नोटिफिकेशन स्टेटस बार में दोस्तों आपको यहाँ पे नए ऑप्शन मिल जाते हैं, परसेंटेज इन द आइकन और परसेंटेज नेक्स्ट टू द आइकन। आपको दोस्तों रेडमी नोट 6 प्रो में दोस्तों आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा बैटरी नेक्स्ट टू द आइकन क्योंकि उसमें बड़ी सी नोच आती है, इसलिए दोस्तों ये कंपेटेबल नहीं होगा। मे बी आने वाले अपडेट्स में ये आपको हो जाएगा, ठीक ठीक है। नोटिफिकेशन स्टाइल में दोस्तों एंड्रॉयड और MIUI है, ठीक है, और फिर दोस्तों आपको यहाँ पे होम स्क्रीन है, डिटेल्स में दोस्तों यहाँ पे शो सजेशंस वो सारे मिलते हैं, स्वाइप अप टू द होम स्क्रीन जेस्चर। और ये क्या है दोस्तों कि अगर आप हुए होम स्क्रीन पे और स्वाइप करें तो ये आप स्वाइप जैसे करेंगे तो ये गूगल की स्क्रीन खुलेगी, अगर आप में मी ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट सेट है तो मी ब्राउज़र की खुलेगी, लेकिन अगर आप इसे बंद कर देंगे और इसके बाद ट्राई करेंगे तो कोई सी भी स्क्रीन नहीं खुलेगी, कोई सा भी सर्च इंजन खुलेगा नहीं, कोई सा भी मी ब्राउज़र नहीं खुलेगा, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है, आपको एटलीस्ट ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको अडेप्टिव ब्राइटनेस बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, तो लेकिन दोस्तों आपको इसमें बैटरी सेवर नहीं मिलता जो मैं मैसिक में मिलता है अभी मैसिक X3.7 में लेटेस्ट, ठीक है। एक्सप्लोर न्यू फीचर्स में आपको वही सारे फीचर मिलते हैं, ठीक है, फुल स्क्रीन डिस्प्ले में भी आपको वही सारे फीचर मिलते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नीचे मैं बटन से कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से तो आपको वही सारे फीचर मिलते हैं जो हमें मिलते हैं और Xiaomi के फ़ोन्स में पहले से। एडिशनल सेटिंग में दोस्तों मैंने एक बात चेक नहीं की, तो इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पे डुअल क्लॉक का ऑप्शन मिल जा रहा है, ये क्या है, अगर आप इसे इनेबल करेंगे कोऑर्डिनेट करेंगे कोलकाता के सिवा आपको इंडिया के सिवा कोई सा भी सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे कोई सा भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई सा भी, और फिर आप जैसे यहाँ पे कोई सा भी टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं, आप जो भी चाहिए वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स दिख रहे, ये लोकल हमारा है और ये 2/25 से हमारा 11 अप्रैल तो वो हमारा ब्राज़ील का है, ठीक है, हमने जो सिलेक्ट किया था वो। दोस्तों पीछे काफ़ी सारा नॉइस होगा, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ दोस्तों, इसके लिए कुछ भी मैं नहीं कर सकता, रात को वीडियो बना रहा हूँ लेकिन पीछे मेरे मैंने कहा कज़िन सिस्टर की शादी है तो ये पीछे वही सारी धमाल चल रही है, ठीक है, मेरे घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करे हैं तो भी थोड़ा सा नॉइस आ रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। दोस्तों आपको दूसरे कोई सा भी अब नए फीचर नहीं मिल जाते, आपको मी पे मिल जाता है,
आपको अगर इसे इंस्टॉल करना है हो है अभी के अभी, तो दोस्तों आपको पूरी की पूरी रोम डाउनलोड कर लीजिए। आप यूज़ में अगर रेकमेंड करूँगा जो मैं पिच ब्लैक रिकवरी में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ वही यूज़ करो, TWRP भी मैं जो वही जो डाल रहा हूँ ना वही यूज़ करो। अगर आप अदर यूज़ करेंगे तो आपको डिक्रिप्टिंग इशू आएगा, ठीक है, और फिर आपको पूरा फास्टफूड रोम आपको फ्लैश करना पड़ेगा, कोई सा भी पासवर्ड काम नहीं करेगा और आपका पूरा डेटा भी डिलीट हो जाएगा अगर आप फास्टफूड रोम फ्लैश करोगे, ठीक है। तो यार ये ध्यान रखना, ठीक है। कैमरा में नहीं आपको AI और 4K का सपोर्ट मिला है, पोर्ट्रेट मोड में जूम मिला है। मैं कैमरा टू API से आपको चेक करा देता हूँ तो आपको कैमरा टू API का सपोर्ट भी अभी भी नहीं मिला। तो फिर नेक्स्ट वही है हमारा पबजी, तो पबजी आप इसमें HD मोड में नहीं खेल पा रहे अभी भी, ठीक है। और इसमें दोस्तों आपको डार्क मोड दोस्तों काफ़ी सारी जगह अब वर्क कर रहा है, लेकिन कुछ जगह है इस मैंने पासवर्ड इसीलिए सेट नहीं किया, पहले सेट किया था इसीलिए रिमूव कर दिया। मैं आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन में जाएंगे, एड फिंगरप्रिंट पैटर्न, मैं कोई सा भी नॉर्मल सा पैटर्न लगा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो गॉट इट पे टैप करते, फिर यहाँ पे पासवर्ड हम हमारा दे देते, कंफर्म कर देते। तो अब देखिए ये वाइट स्क्रीन है, ये ब्लैक नहीं हुआ, ठीक है, ये ब्लैक नहीं हुआ, ठीक है। आप भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कुछ जगह पे ये काम कर रहा है, कुछ जगह पर ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो फुल स्क्रीन जेस्चर काम कर रहा है। एड्स दोस्तों आपको अभी भी मिल जाती है, अच्छी बात है कि आप इसे कस्टमाइज में जाके यहाँ पे ये सबको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ आप क्लोज कर दिए, जो चाहिए वही रखिए, ठीक है, तो आपको एड्स नहीं आएगी। फिर दोस्तों आपको सिक्योरिटी में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ हमें और क्या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कहाँ गया गेम स्पीड बूस्टर, ये रहा बीच में, तो गाइस नया गेमिंग स्पीड बूस्टर आपको मिल जाता है, गेम टर्बो आपको लिखा आ रहा है, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे नया आपको ऐसा मिल जाता है, यहाँ पे आप मैंने कोई भी गेम अभी के लिए डाउनलोड नहीं की क्योंकि मैंने अभी बैकअप रिस्टोर नहीं किया मेरा, तो आप यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपको कोई गेम आपको सिस्टम में से चाहिए तो आप ऐड गेम में जाके कर सकते हैं। मुझे इस Xiaomi का पता यार नहीं चल रहा है कि Xiaomi कर क्या रहा है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें UI नया डाला गया है, ठीक है। मैनुअल कैमरा को मैं मान लीजिए किया, तो कैसे यहाँ पे देख सकते गेम टर्बो, तो मैं यहाँ से स्वाइप कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी भी थोड़ा लैगी है, आपको वही सारे ऑप्शन मिलते हैं, थोड़ा सा दोस्तों कस्टमाइजेशन किया गया है अगर आप गेम टर्बो को ओपन करते हो, ठीक है। आप देख सकते हैं रोटेट आपको पोर्ट्रेट में देख रहा है लैंडस्केप में। दोस्तों ये थोड़े बहुत चेंजेस किया गया है गेम स्पीड बूस्टर में, मुझे Xiaomi का पता नहीं चला क्योंकि पोको के स्टेबल में अलग है, पोको के बीटा में अलग है और हमें थोड़े कस्टमाइजेशन के साथ अब मिल रहा है। मुझे Xiaomi का पता ही नहीं चल रहा कि Xiaomi क्या कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो है अच्छी बात है कि हमें तो गेम स्पीड बूस्टर मिल जाता है जिससे हमारा फ़ोन थोड़ा गेमिंग में मिले। अब मेरी एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगी मैं नेक्स्ट वीक ही गेमिंग मोड ये आया है, आपको किसी भी दूसरे एंड्रॉयड में या फिर Xiaomi के फ़ोन्स में इंस्टॉल कैसे करना है स्टेबल में भी, उसके ऊपर भी वीडियो आएगा और एक अलग से दोस्तों रिव्यू आएगा कि आपको गेम स्पीड बूस्टर में क्या क्या मिलता है, क्या क्या अच्छी बात है, क्या इससे क्या क्या कर सकते हैं, सब कुछ आने वाला है, ठीक है, तो इसके लिए वेट करना, ठीक है। फिर दोस्तों मैं एक फ़ीचर देख लेता हूँ, मुझे याद आया तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या वो फीचर अवेलेबल है। नहीं, यहाँ पे अगर हम जाते कस्टमाइजेशन में देख लेते एक बार, यूटिलिटीज़ में प्लस, तो दोस्तों मैं चेक कर रहा था कि कैलकुलेटर में 2-3 हमें नए फीचर्स मिल रहे थे जो यूटिलिटीज़ में थे, कैलेंडर हमारे कैलकुलेटर ऐप में नहीं थे, वही मैं चेक कर रहा था क्या पता है या नहीं। फिर दोस्तों मैं दूसरी चीज़ें एड्स आपको भर भर के अब मिलने वाले हैं, ठीक है, भर भर के आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी अब आपको एड्स मिल रही है। Xiaomi दोस्तों यार इन्हें करना चाहिए कि एड्स के लिए आप हर ऐप्स को आप रेकमेंडेशन बंद ना करें, Xiaomi को एक पर्टिकुलर वे बना देनी चाहिए कि अगर आप इसे कर लेते तो आपके यहाँ कभी भी ये बंद नहीं होगा, ठीक है, यही बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो दूसरा कोई सा भी मुझे नया फीचर नहीं मिला बैटरी बैकअप के बारे में, दोस्तों मैं अभी नहीं कह सकता। दोस्तों अगर मुझे 2-3 कमेंट भी आते हैं कि बैटरी बैकअप के ऊपर अलग से वीडियो बना दो तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और दूसरी एक बात और ये लास्ट बात है हमारी, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे कि दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूँ कि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, ठीक है,
मैंने पूरा यूज़ किया है लेकिन मुझे लैगनेस नहीं मिला। ठीक है, अब देख सकते काफ़ी फास्ट है और एक्यूरेट है। और हम कैमरा में दोस्तों थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन मैसिक के कैमरा के सामने MIUI 10 के ग्लोबल बीटा कैमरे के बारे में कोई का मुकाबला नहीं। दोनों का कैमरा का कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। मैसिक का ऑलवेज विन होगा क्योंकि मैसिक का कैमरा बहुत ही बढ़िया है, विथ AI और विदाउट AI। AI के साथ भी अच्छा है, AI के बगैर भी अच्छा है। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से बता दूं लास्ट की, ये आपको कल शाम तक में भी मिल जाएगा ये अपडेट। अगर नहीं मिलता और अभी आप डाउनलोड करना चाहते हो, फ्लश करना चाहते हो, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाइए डाउनलोड कीजिए, खुश हो जाइए, फ्लैश कर लीजिए और मज़े कीजिए। तो आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के शेयर कर देना और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।